मंजुषा, एक प्राचीन लोक कला जो पिछले 1200 सालों से अपने अनोखे रंगों से एक त्योहार का चिन्ह दर्शाती आ रही है। इतिहास, लोक कला और परंपरा का संगम दर्शाती हुई यह कला एक अनोखे त्योहार का प्रतिबिंब है, एक ऐसा त्योहार जो आपने शायद ही कहीं और देखा होगा। लोक मान्यता के अनुसार मंजुषा कला की शुरुआत बिहार स्थित भागलपुर शहर के मनसा देवी मंदिर से हुई थी। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि मंजुषा कथा की मुख्य नायिका बिहला की शादी इसी प्राचीन मंदिर में हुई थी। आज भी हर साल हजारों महिलाएं इस जगह पर बिहला बिशेरी का त्योहार मनाती हैं। ये मंजुषा कला अंग प्रदेश की धरोहर है। मंजुषा की खासियत यह है कि यह संपूर्ण कथा चित्र है। मेरा मानना है कि एशिया की यह पहली लोक कला होगी जो संपूर्ण कथा चित्र होगी, और इसकी एक खासियत है कि संपूर्ण कथा चित्र एक स्टोरी यहाँ की लोक पर्व बिहुला बिसरी पर आधारित ये पूरी कथा चित्र है। मंजुषा की कला एक प्राचीन लोक कथा पे आधारित है। यह कथा है चांद सौदागर नामक एक व्यापारी की जो शिव भगवान के परम भक्त थे। एक दिन शिवजी की सर्प कन्या मनसा ने अपने पिता से इच्छा व्यक्त की और कहा कि वो यह चाहती है कि लोग उसकी भी पूजा करें। शिवजी ने मनसा को सलाह दी कि वो उनके परम भक्त चांद सौदागर के पास जाए। जब मनसा ने चांद सौदागर के पास जाकर अपनी इच्छा व्यक्त की तो चांद सौदागर ने उसकी पूजा करने से साफ इनकार कर दिया। इस जवाब से क्रोधित होकर मनसा ने उन्हें यह श्राप दिया कि उनके सारे 6 बेटों की मृत्यु हो जाएगी, और ऐसा ही हुआ। इस हादसे से चांद सौदागर को बहुत दुख हुआ। कई सालों बाद उन्हें एक और पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था बाला। बाला का विवाह बिहुला नामक एक सुंदरी से हुआ, पर शादी की पहली रात को ही सांप के डसने से बाला की मृत्यु हो गई। दुख से बेहाल बिहुला ने अपने पति के शव को एक नाव में रखकर देवलोक की यात्रा का आरंभ किया। अपने पति के प्रति ऐसी निष्ठा देखकर मनसा देवी और अन्य देवी देवता बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बाला को वापस जीवित कर दिया, और इसी दिन से मनसा देवी की लोग पूजा करने लगे। और इसकी खासियत है कि इसमें मात्र 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, हरा, गुलाबी और पीला। विद्वानों के अनुसार यह प्रेम, समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। हरे रंगों से जितनी भी रेखा चित्र होती है हरे रंगों से तैयार किया जाता है, तत्पश्चात उसमें पीले और गुलाबी रंगों का प्रयोग कलाकार करते हैं। आज भी बिहुला को सद्गुण की प्रतिमा माना जाता है, और हर साल 17 से 19 अगस्त को भागलपुर और आसपास के गांवों से हजारों की तादाद में महिलाएं मंजुषा का त्योहार मनाती हैं। इस त्योहार में महिलाएं मंजुषा लेकर निकलती हैं, जो बिहुला की उस नाव का प्रतीक है जिसमें वह मृत बाला को देवलोक ले गई थी। महिलाएं मंजुषा के साथ एक कलश भी लेकर निकलती हैं, जिस पर सांप के अनेक चित्र बने होते हैं। राजेंद्र मलाकर का परिवार सालों से मंजुषा बनाते हुए आ रहा है। हम लोग जून से स्टार्ट करते हैं, पूरा एक महीना मंजुषा बनाते हैं, और 17 अगस्त को पूरा मंजुषा बिक्री हो जाता है। एक महीना में कम से कम हम लोग जो है 400-500 बनाते हैं, अब बना के रखते हैं, फिर 17 अगस्त को जो है सारा मैंने कि उस दिन बिक जाता है। 5-6 बजे शाम तक होते होते सारा भगत लोग आता है और लेकर चला जाता है, अब बिक्री हो जाता है। उस दिन हम लोग कम से कम 25-30 हज़ार का हम लोग सेलिंग कर लेते हैं खाली मंजुषा। ऐसे बहुत कम लोक त्यौहार है जो बिहुला बिशेरी जितने लोकप्रिय है। इस त्योहार की जड़ें भागलपुर के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। चंपा नगरी, जो आज के भागलपुर जिले में स्थित है, एक काल में प्राचीन अंग प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी। यह नगरी एक समय का व्यापार का केंद्र थी और चांद सौदागर जैसे व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण शहर था। चंपा के ही व्यापार से यहाँ के लोगों ने सुदूरवर्ती क्षेत्र में इंडो चंपा नामक शहर बसाया। मंजुषा कला का पहला संदर्भ शुरुआती मध्ययुगीन काल में आता है। इसके ऐतिहासिक और पुरातात्विक अगर दृष्टि से देखा जाए तो विक्रमशिला बौद्ध महाविहार की जो खुदाई हुई है
तो वहाँ से भी मनसा विषहरी की बहुत ही नायाब मूर्तियाँ मिली हैं और जो ये चीज़ प्रमाणित करती हैं कि यहाँ मनसा विषहरी की पूजा की परंपरा रही होगी। तो मैं समझता हूँ कि विक्रमशिला की स्थापना के बाद 8वीं, 9वीं, 10वीं शताब्दी वो ऐसा काल रहा होगा जब ये कहानी जो है प्रचलन में आई। इस लोक कथा की प्राचीनता एक बड़े ही आश्चर्य की बात है। मंजुषा को बड़े पैमाने पे प्रसिद्ध और प्रचारित करने की कोशिश जारी है। पुरस्कृत कलाकार, प्रसिद्ध लेखिका और शिक्षिका उल्पी झा इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। मैंने सोचा कि बड़े बड़े कैनवास पर यदि मैं बनाती हूँ तो ये तो बड़े बड़े लोग ही ले सकते हैं, हर घर में जाएगी कैसे। फिर मुझे लगा कि इसको क्यों ना व्यापार से जोड़ दिया जाए, तो दो पैसे की आमदनी होगी तो आदमी खुद ब खुद बनाना शुरू कर देंगे। फिर मैंने इसको छोटे छोटे चीज़ों पर बनाना शुरू किया, कागज़ पर ही बनाना शुरू किया। हैंडमेड सीट आता है उस पर बनाना शुरू किया, उसमें भी छोटा टुकड़ा बड़ा टुकड़ा भी बनाया, उससे भी छोटा पेन स्टैंड पे बनाया, फिर फ्लावर पॉट पे बनाया। फिर मुझे लगा इससे भी छोटा और क्या हो सकता है। फिर मैंने लकड़ी का की चैन बनवाया, चाबी का रिंग, फिर उसमें मैंने बनाया तो वो बहुत फेमस हुआ। एक तरफ यह कोशिश कलाकारों के द्वारा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बिहार की राज्य सरकार भी इस कला को अगले पैमाने पर ले जाने का प्रयास कर रही है। मंजुषा कलाकारों को प्रशिक्षित और प्रोत्साहित करने में पटना स्थित उपेंद्र महारथी संस्थान सबसे अग्रस्त है। यह संस्थान हर साल भागलपुर में एक मंजुषा त्योहार प्रायोजित करता है जिसमें कलाकार अपनी कला बेच सके। मंजूषा कला के कलाकारों की सबसे बड़ी समस्या है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें आज के बाजारवाद के युग में जो मार्केटिंग का जो प्रचलन है उससे वे अनजान हैं। इसलिए हम लोगों ने उनके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स की शुरुआत हम लोग अगले 2-4 महीने में करने जा रहे हैं। उसके माध्यम से उनके जो जितने प्रोडक्ट हैं उसको ऑनलाइन हम लोग बेचेंगे। मंजूषा अब Amazon जैसे मंचों पर उपलब्ध है जिससे कि आप इसे कहीं से भी खरीद सकते हैं। मंजुषा कला की कहानी बड़ी ही अनोखी और प्रेरणादायक है। करीब 20 साल पहले तक यह कला लगभग लुप्त हो चुकी थी। राजेंद्र मलाकर की चाची पुरस्कृत विजेता चक्रवर्ती देवी और मनोज पंडित की माता निर्मला देवी जैसे लोगों की वजह से यह कला पुनर्स्थापित हो पाई है। आज नव पीढ़ी इस कला को एक नए स्तर पर ले जा रही है जिससे इस प्राचीन कला का अधिक प्रचार हो सके और यह कला कायम रहे।